नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के डीजी जेल आनंद कुमार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर बंदियों के परिजन द्वारा बाहर से दिए जाने वाले सभी सामानों को जेल के अंदर ले जाने पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। बकौल कुमार, किसी भी प्रकार से इस आदेश के उल्लंघन पर जेलर व जेल अधीक्षक संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। यूपी के लखनऊ में फर्जी डॉक्टर बनकर कोविड-19 मरीज का इलाज करने और हालत गंभीर होने पर उसकी मौत के बाद 45 वर्षीय शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फर्जी डॉक्टर ने मरीज की पत्नी से 7 दिनों में 2 लाख रुपए ऐंठे थे। बकौल पुलिस, आरोपी कोविड-19 के इलाज के नाम पर कई लोगों से वसूली कर चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सपा, बसपा और ममता बनर्जी भी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कृपया हिंदुत्व व कुंभ मेले को बख्श दें। दुनिया के बाकी हिस्सों में मेला नहीं हुआ, मगर फिर भी पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के चलते सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, निष्ठुर बीजेपी सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है। बसपा प्रमुख मायावती के मुताबिक, सही जांच नहीं होने से मृतकों के आश्रितों को मदद नहीं मिल पा रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस पुलिस ने करीब 1.5 साल पहले एक मंदिर में हुई डकैती की घटना का खुलासा कर 4 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मंदिर से लूटी गई 19वीं शताब्दी की अष्ट धातु की 3 मूर्तियां, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है, 2 अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। बिहार के अररिया में बुधवार को पेशी के लिए कोर्ट ले जाते वक्त एक चोर पुलिस की रस्सी छुड़ाकर नाले में कूद गया। पुलिस ने बताया कि उसके पैरों के निशान को देखते हुए 2-3 जगह चैम्बर को उखाड़ा भी गया। चोर को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो कहां और कैसे पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में 800 रुपए लेकर कोविन पोर्टल पर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण स्लॉट बुक करने के मामले में 21 व 29 वर्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पैसे देने के इच्छुक लोगों के लिए आरोपी पूरा दिन स्लॉट बुक करने का प्रयास करते थे। बकौल पुलिस, उन्होंने वैक्सीन की कमी का लाभ उठाया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। वो हरियाणा व बिहार के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, श्री पहाड़िया के जाने से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कहा है कि उनकी बेटी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। बकौल श्वेता, पलक ने मुझसे कहा, ये आपका करियर है, आप अभी खत्म नहीं हुई। श्वेता ने बताया कि दूसरी डिलीवरी के बाद वो 73 किलोग्राम की थी और कंधे में दर्द होता था, जिसके बाद जांच में फ्रोजन शोल्डर का पता चला। देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 2,76,070 नए मामले मिले, 3,69,077 लोग रिकवर हुए और 3,874 मौतें दर्ज हुई। देश में पिछले 4 दिनों में कोविड-19 के 4,000 से अधिक मौतें हुई हैं और बुधवार को देश में दुनिया की सर्वाधिक 4,529 दैनिक मौतें रिपोर्ट हुई। देश में अब 31,29,878 सक्रिय मामले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और ब्रह्मन मुंबई महानगर पालिका को कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों तक आने में अक्षम बुजुर्गों व निःशक्तजनों के लिए घर घर टीकाकरण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत का इंतजार न करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, अगर केंद्र सरकार इजाजत नहीं देगी तो हम देंगे, जिंदगियां बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड उच्चायोग में 1986 से कार्यरत उस भारतीय कर्मचारी की दिल्ली के एक अस्पताल में कोविड-19 से मौत हो गई, जिसके लिए उच्चायोग ने मई की शुरुआत में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी। न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ननाया महुता ने कहा, परिसर में सभी लोग एक परिवार की तरह रह रहे थे, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर मंगलवार को जिला अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलती से कह दिया, कोविड-19 पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ने चाहिए। इस वीडियो पर एक यूट्यूब यूजर ने कमेंट किया, क्या तो जुबान फिसली है। एक अन्य यूजर ने लिखा, इसके जितने मामले अभी हैं वे काफी नहीं है। गुजरात और गोवा सरकार ने ताऊ ते चक्रवात से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने चक्रवात से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की सहायता से अलग होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार चक्रवात से मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी।
सिंगापुर सरकार ने फेसबुक और ट्विटर को कोविड 19 के सिंगापुर वेरिएंट को लेकर झूठ के बारे में करेक्शन नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से आया कोविड 19 का नया रूप भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक एसडी शिवलाल ने बुधवार को कंपनी के 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए जिससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 0.02% बढ़ गई है। मार्च 2021 तिमाही के खत्म होने पर इंफोसिस में शिवलाल की हिस्सेदारी 0.05% थी। इससे पहले 12 मई को भी शिवलाल ने कंपनी के 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने कोविड 19 महामारी के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 7 ऑक्सीजन इनहेंसर मशीनें लगवाई हैं। मथुरा सीट से लोकसभा सांसद हेमा ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, ग्रामीण क्षेत्रों के ब्रजवासियों के लिए जल्द ही और मशीनें समर्पित कर रही हूं। इस तरह जनपद में लगभग 60 ऑक्सीजन बेड और उपलब्ध हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मलाना में लोगों का दावा है कि स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उनके गांव में कोविड 19 का एक भी मामला नहीं है। एक ग्रामीण के अनुसार, हमने पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है, हम उन्हें अपने गांव में नहीं आने देते। उन्होंने कहा, हम स्वयं घोषित लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोविड 19 महामारी की शुरुआत से नागपुर निवासी रंजीत नाथ रोजाना करीब 190 आवारा कुत्तों को चिकन बिरयानी खिला रहे हैं। प्रतिदिन करीब 40 किलोग्राम बिरयानी बनाने वाले रंजीत ने कहा, वे मेरे लिए बच्चों की तरह हैं, जब तक जिंदा हूँ ये काम करता रहूंगा। बकौल रंजीत, वो दोपहर में बिरयानी बनाकर शाम 5 बजे कुत्तों को खिलाने निकल जाते हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने कथित टूलकिट मामले में दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा व रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस फर्जी टूलकिट तैयार कर देश व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। मध्य प्रदेश के सतना में बुधवार को 2 अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सतना के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। नारदा स्टिंग केस से जुड़ी सुनवाई में CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अन्य TMC नेता CBI अधिकारियों को उनका काम करने से रोक रहे हैं। एजेंसी ने केस को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने और सोमवार को गिरफ्तार किए गए TMC नेताओं की पुलिस कस्टडी की मांग की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकारी बैंक RBI द्वारा घोषित कदमों को जल्द से जल्द लागू करें। गौरतलब है, महीने की शुरुआत में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा संबंधित कंपनियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के रियायती ऋण की घोषणा की थी। इसके अलावा MSME के लिए कर्ज सुविधा बेहतर करने, ऋण पुनर्गठन और KYC को युक्ति संगत बनाने की घोषणा हुई थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लक्ष्य पूरा होने तक वो गाजा में अभियान जारी रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन कर उनसे संघर्ष खत्म करने का आग्रह किया था। बकौल नेतन्याहू, वो राष्ट्रपति को समर्थन की सराहना करते हैं लेकिन शांति स्थापित होने तक वो नहीं रुकेंगे। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज।